अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब परफेक्ट होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। एंड मैं हूं आपकी होस्ट सोमा और आप देख रहे हैं सोमा कुकिंग शो। ऐसे तो आपने बहुत सारे पास्ता खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक न्यू और मज़ेदार पास्ता की रेसिपी के बारे में बता रही हूँ। तो चलते हैं अज्जा पर। आज मैं आपको बता रही हूँ अल्फ्रेडो पास्ता कि हम ये पास्ता किस तरीके से बना सकते हैं। पास्ता के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है इनमें से है मुर्गी, बोनलेस 300 ग्राम पास्ता, उबले हुए 250 ग्राम प्याज चॉप की हुई एक अदद, लहसुन चॉप किया हुआ एक चमचा, पालक उबली हुई आधी गड्डी, मैदा 3 खाने के चमचे, ताज़ा क्रीम आधा किलो, मोज़ेला पनीर 250 ग्राम, ताज़ा क्रीम आधी प्याली, ऑर्गिनो आधी चाय का चमचा, सूखी मेथी आधी चाय का चमचा, चटर पनीर 2 स्लाइस, नमक हसबे जायका, तेल हसबे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको ईजीली मिलती रहें। तो अब चलते हैं तरकीब की तरफ। मुर्गी के गोश्त को पतला काट लें। इसमें 3 खाने के चमचे मक्खन गरम करके मुर्गी और गीनो को हल्का सा फ्राई कर लें। इन दोनों को एक साथ ही हल्का सा ब्राउन शेड में दे दें। जब मुर्गी का रंग ब्राउन हो जाए तो एक अलहदा डेगची में बाकी का मक्खन और तेल गरम करके इसमें प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लें और इसमें मैदा शामिल करें। अब इसमें दूध डालकर गाढ़ा कर लें। फिर इसमें पालक नमक और मिर्ची शामिल कर दें। फिर इसमें चटर पनीर क्रीम और मुर्गी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लास्ट में पास्ता मिलाकर इसे पेश करें। मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर आपसे कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं या फिर आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप इसे दोबारा ज़रूर देख लीजिए। We'll be right back.
हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।